वेल हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, इट्स द व्लॉग जून। टॉपिक देखकर आप लोग को समझ में आ ही चुका होगा कि आज का वीडियो कौन से टॉपिक पे होने वाला है। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया है, आज का जो वीडियो होने वाला है माय हेयर ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक पे होने वाला है। लेकिन मैं कौन से सैलॉन में जाऊंगा, किस तरीके का हेयर ट्रांसफॉर्म कराऊंगा, उस सैलॉन में कोविड की वजह से क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे होंगे, अगर आपके दिमाग में भी अगर यही सेम बातें चल रही हैं तो प्लीज काम डाउन, आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं दे दूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें, डोंट स्किप द वीडियो, क्योंकि आज ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनने वाला है। तो प्लीज 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 आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं, लेट्स डिग इनटू द वीडियो। Hey guys, I'm all set to go outside. मैंने मास्क नहीं पहना बिकॉज आई एम नॉट वेरी मच कम्फर्टेबल वियरिंग अ मास्क, तो इसलिए मैंने ये रुमाल ले लिया है। बाहर धूप बहुत कड़ी हो रखी है इसलिए मैंने सनग्लासेस पहन लिया। तो ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ अब डायरेक्ट सैलॉन में। गाइज आप देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं सैलॉन में, और ये सैलॉन है द जावेद हबीब। चलिए अब अंदर चलते हैं। हम लोग यहाँ पे एंटर कर चुके हैं, ये है हमारा जावेद हबीब, और ये नया आउटलेट खुला है। आप यहाँ के एम्बियंस देख सकते हैं, यहाँ के एम्बियंस बहुत ही अच्छा लग। यहाँ पे आपका सिटिंग एरिया है, आप यहाँ पे बैठ सकते हो, और यहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया है जहाँ पे हेयर वॉश होता है। ये हमारा ब्राइडल फेशियल, हाँ, ये ब्राइडल मेकअप के लिए ये हमारा रूम है। आप चाहो तो यहाँ पर ब्राइडल मेकअप के लिए भी आ सकते हो, इट्स ऑल्सो लुकिंग सो गुड। यहाँ पे देखिए, आपको फुल प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने पीपी किट भी पहन रखा है, तो देर इज़ नो एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द कोरोना वायरस, सो यू कैन हैव अ सेफ हेयर कट एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू हैव। गाइस, आई एम डन विद माय हेयर वॉश, इसके बाद हेयर कट। कहाँ पे, इस पे बैठना। कौन सा हेयर कट दोगे भैया, मेरे फेस के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा? हमारा ब्लू ड्राई हो रहा है, गाइज यार आई एम ऑल सेट विद माई हेयर कट। तो अब हम चलते हैं यहाँ के जो स्टाफ हैं जिन्होंने मेरा हेयर कट किया है, उनसे बात करते हैं थोड़ी। भैया कैसा लगा यहाँ का एम्बियंस आपको, आपने तो यहाँ, ये नया आउटलेट है तो यहाँ पर कैसा लग रहा है आपको यहाँ वर्क करते हुए? बहुत अच्छा लगा हमको एक्चुअली, यहाँ का एम्बियंस है भी बहुत अच्छा, और यहाँ का स्टाफ भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है गाइज। तो अगर आपको कभी भी हेयर कट लेना हो, अगर आपको इस एरिया में आना हो, तो प्लीज़ आप यहाँ हबीब में आ सकते हैं, इट्स क्वाइट गुड, इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। और यहाँ के जो स्टाफ्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और इन्हें अच्छा खासा नॉलेज भी है हेयर कैसे कट होता है। तो आपने मेरा क्या क्या हेयर कट कैसे किया है आप एक बार बता दें। हम आपका किया है एक नंबर, दो नंबर का फेड किया साइड से पीछे से, हाँ, और बीच वाला को हम थोड़ा सा जो बड़ा था उसको थोड़ा छोटा कर दिया, उसके बाद बाल को सेव कर दिया अच्छे से। ओके, तो आपने सुना गाइस हमारा हेयर कट कैसे हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक नंबर दो नंबर कराया है, उसके बाद मैंने बीच में हल्का हेयर कट लिया है जो कि अच्छा दिख रहा है। तो जो यहाँ के ऑनर कौन है? अच्छा, आप आ जाइए, आप हो भैया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन भैया फॉर दिस आउटलेट। आई होप आपका ये ऑलवेज कि आपका ये आउटलेट बहुत अच्छा सक्सेस करे बाकी आउटलेट की जैसा, और सर्विस यहाँ आपने बहुत अच्छा दिया, थैंक यू वेरी मच।
अगर आपको इस आउटलेट पे आना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लोकेशन में लिख दूंगा, अगर आपको आना हो तो प्लीज आइए, यहाँ बहुत ही अच्छा एम्बियंस है, आप यहाँ आके जरूर हेयर कट या किसी तरीके का, ये यूनिसेक्स पार्लर है तो आप यहाँ पे आके लड़की लड़का कोई भी आके यहाँ पे अच्छा सर्विस मिल सकता है उसके। इट्स टाइम टू गो नाउ गाइस, मैं अब चलता हूँ, मेरा हेयर कट हो चुका है और यहाँ पे सर्विस वाकई बहुत अच्छा था, आप आके यहाँ देख सकते हो, मैंने हेयर कट करा लिया, अब मैं जा रहा हूँ बैक टू होम। चलिए मैं आपसे अब घर पे मिलता हूँ। हे गाइस, मैंने अपना सार ले लिया है और इट्स द टाइम टू वाइंड अप दिस ब्लॉग। तो आप लोग को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ब्लॉग तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी रिलेवेंट लगा हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल, और ऐसे बहुत सारे ब्लॉग आते रहेंगे। अगर आप भी कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो मुझे तो प्लीज़ सजेस्ट करना, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक दैट वीडियो वेरी सून। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।